करा, मी लांबून पाहिलं अरविंद दादा तुझं देखील या आमच्या बंद्रा मारुती काल्हेर चषकामध्ये खूप खूप मनापासून आमच्या या काल्हेर गावातर्फे तुझं हार्दिक स्वागत करतो. मी मगाशी बघितलं, माझ्या सहकार्याला सांगितलं अरविंद दादा येतोय आणि छोटा पण जोडीला त्यांचा मुलगा पण आहे, दोन्ही गॉगल लावून बाप लेक आपल्या इथपर्यंत येत आहेत आणि त्यांच्याशी आपल्याला दोन हात करायचे आहे नेक्स्ट मॅच मध्ये कासने वर्सेस ओवळी. दोन्ही तुल्यबल संघ, पण जो चांगला उत्कृष्ट खेळ खेळेल तो नक्कीच यशस्वी होईल यात तिळमात्र शंका नाही. दरम्यान दोन्ही ओपनिंग बॅट्समन मधुकर आणि मनोहर आणि गोलंदाज आहे तो नरेश. मनोहर नरेश. दरम्यान पहिलं वहिलं षटक घेऊन येते नरेश आपल्या जॉली क्लब कामतगर संघाकडून आणि बॅटिंग साठी आलेत ते मधुकर आणि मनोहर. बघूया संघासाठी कितपत धावा करतायत, कितपत धावा आपल्या जमा करतायत. जास्तीत जास्त स्कोर करावा लागेल पीसी संघाला, कारण आताच त्यांनी बॅटिंग पाहिली असेल. विलास बी पाटील वन मॅन आर्मी सारखा लढत होता एकटा आणि वन मॅन आर्मी एक हाती विजय आपल्या कामतगर संघाला त्यांनी मिळवून दिलेला आहे. नरेश टू स्ट्राईक मनोहर पहिला चेंडू सुंदर फटका मिळवांच्या दिशेने त्याला चेंडू मार वन बॉस बाउंड्री जाते की बघायचे परंतु आणि वन बॉस बाउंड्री सुंदर फटका अप्रतिम. धन्यवाद डीजे मास्टर, म्युझिक ऐवजी थोडे गाण्याचे बोल ऐकवले तर खूप बरं वाटेल. डीजे मास्टरला एक नम्र विनंती, कारण म्युझिकमध्ये तुम्हाला 5-6 सेकंद असतात, त्यामुळे 5-6 सेकंदामध्ये तुमचं जे आवडीचं गाणे आहे ते आम्हाला वाजून नक्कीच दाखवाल. दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पुलटा चेंडू मिडऑफच्या दिशेने, पहिला चेंडू मिडऑन दुसरा चेंडू मिडऑफ, परंतु क्षेत्ररक्षण होत आहे, दोन धावा घेण्यापासून रोखू शकत नाही. सुंदर झे थ्रो होता परंतु थोडीशी मिस फिल्डिंग, कलेक्ट करताना थोडासा त्रास झालाय नरेशला. दरम्यान 2+2 धावा झाल्यात त्या 4, 2 चेंडू 4 धावा 0 विकेट, सॉरी माफ करा, हा चौकार, चौकार पहिल्या चेंडूवर होता, थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि 6 धावसंख्येवर 0 विकेट, सुंदर अशी सुरुवात केलेली आहे मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने, 2 चेंडूवर 6 धावा. नरेश टू मनोहर सुंदर पुण्या एका लेगच्या दिशेने चेंडू झाला, एस टीच्या बाहेरचा चेंडू, एक धाव पुन्हा दुसऱ्या धावेसाठी धावण्यात मिस फिल्डिंग होतोय, मिस फिल्डिंग होतोय तिचे, एक धाव तिथे 2 धावा जात आहेत, पुन्हा 2 धावा काढतोय मनोहर आणि मधुकर, धावसंख्या 2 ने वाढतोय 8, बिनबाद 8, 3 चेंडू 8 धावा. सुंदर सुरुवात म्हणावी लागेल, एक अटॅकिंग सुरुवात म्हणावी लागेल. पुढचा चेंडू, चौथा चेंडू घेऊन जातोय नरेश. पुढचा चेंडू घेऊन नरेश पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण होते, बघूया काय होतंय. ओ माय गॉड, तिथे क्षेत्ररक्षण, ढिसाळ क्षेत्ररक्षण, फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं होतं, परंतु झेल काही, मला वाटतंय लहानपणी आपण गोट्या टबोल खेळायचो, आता त्यांची आठवण यायला लागली मला. पुन्हा एकदा मला वाटतंय गोट्या आणि टबोल खेळायला सुरुवात करावी लागेल, कारण स्टंप हिट करायचे होते, कारण विकेट होतं जिथे 0 धाव आणि विकेट होतं तिथे 2 धावा गेल्यात, धावसंख्या 2 ने वाढते 10, मला वाटतं एकट्याच्या 10 धावा आहेत मनोहरच्या, सॉरी 2 धावा लेग बाईज. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा इथे थर्ड मॅन दिशेने चेंडू येतोय, एका धावेवर समाधान मानावं लागेल, अरे चेंडू दिसत नाही आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागते, धावसंख्या 1 ने पुढे होत सरकते, धावसंख्या होते. आमचे ऑफिशियल स्कोरर आहेत दिलीप पाटील माझ्याजवळ बसलेले, इथे सुंदर स्कोरिंगचा इथे आपल्या अशा फिंगर जे आहेत एक थंब आणि एक फोर फिंगरच्या सुंदर कला म्हणजे बोटांचा उपयोग करून माझ्यासाठी इथे कॉमेंट इथे स्कोरिंगचं काम दिलीप पाटील माझे सहकारी. दरम्यान माझे सह कॉमेंटेटर आहेत अब्दुल भाई. थँक्यू व्हेरी मच.
और इस बीच चौपा करने के बाद में पुल कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्ड के बीच से एक अच्छा सा फील्डिंग वहां पर, जब तक बॉल को फील्ड करते एक और खतरा यहां पर और बना। निराश मुद्रा में जाना होगा पवेलियन इस वक्त, जब नजर दौड़ाते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जिस तरह से 11 रन बनाए हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन एक ओवर की समाप्ति पर। और नरेश आए थे गेंदबाजी करने के लिए, 11 खिलाड़ी के ऊपर नजर दौड़ाने के बाद एक ऐसा विकल्प एक ऐसा ऑप्शन छोड़ा गेंदबाजी के लिए जिन्होंने और इस पेच गेंदबाजी करने के लिए आए नरेश, उन्होंने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए और उनको कोई सफलता नहीं मिली। और इसमें टोटल स्कोर हुआ ओपनिंग करने के लिए आए थे मधुकर और मनोहर, जिन्होंने एक अच्छे समय तक यहां पर अपना साथ दे रहे अपनी टीम के लिए। और मनोहर जिन्होंने एक चौका लगाए उसके बाद 2 रन बनाकर मधुकर खेल रहे हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बल्लेबाजों के बीच में, 18 गेंदें हैं इनके पास और एक ऐसी रणनीति के साथ मैदान पर उतरे हैं जो ये दर्शाता है कि अपनी टीम के स्कोर को आगे तक ले जाना होगा, तभी थोड़ा सा यहां पर फाइट में मजा आएगा लड़ाई में। इससे पहले बॉल हवा में थी जरूर, लेकिन इस बार अच्छा चित्र वहां पर हुआ लॉगान के खिलाड़ी द्वारा। उस बीच एक और विश्वास जताया एक और गेंदबाज के ऊपर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कैप्टन ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, 10 से 15 कदम नंबर 9, एक खिलाड़ी गली में, एक खिलाड़ी बैक व शॉर्ट लेग में और एक खिलाड़ी कवर क्षेत्र में और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, इस तरह से तैनात किया स्कोर लेग डीप स्कोर लेग में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी मिड विकेट और एक खिलाड़ी थर्ड मैन की दिशा में, इस तरह से तैनात किया। अगली गेंद के लिए तैयार हुए, चप्पा गिरने के बाद हल्का सा दिशा दिया गली के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, जब तक बॉल को फील्ड करते आसानी के साथ अपना छोर बदले और एक रन लेने में कामयाब रहे, केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 14 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मनोहर जो कि एक अच्छा स्थिति में दिख रहे थे, 9 रन का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर पवेलियन वापस लौट के उनका स्थान लेने के लिए आए बल्लेबाज गणेश, अभी तक गेंदों का कोई सामना नहीं किया, सादा गोलना से बाकी है उनका 32 ओवर चलता हुआ इस इनिंग का जो रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और इस पेच स्ट्रेट बल्ला खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर कोई गलती नहीं, आसानी के साथ उस कैच को दबोचा और महत्वपूर्ण विकेट को पवेलियन का राह दिखाया। और इस बीच गणेश ने केवल एक रन बनाकर पवेलियन वापस के बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास जरूर किए थे, टाइमिंग नहीं बढ़िया, जिस तरह से बल्ले को बोप के लगभग 45% और उसके बाद आसान सा कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में और निराश मुद्रा में चल दिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बीच एक दिलचस्प मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जो काफी एक यहां पर मनोरंजन लेते हुए दर्शक भारी जनसंख्या में। और इस बीच अपने बल्ले को समीर पर रखे नेक्स्ट बॉल की प्रतीक्षा के पासी के लिए रवि तैयार हुए, पिकटों के ऊपर जरूर नजर होगी इनकी और क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन, बैक व शॉर्ट लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, गली के खिलाड़ी में वहां पर मौजूद थे, थोड़ा सा हटकर वहां पर परिवर्तन किया है जरूर क्षेत्ररक्षण में। यहां पर एक गली में और एक पॉइंट में थोड़ा सा हटके और एक कवर क्षेत्र में है, एक लॉन्ग पर इस तरह से तैनात किया स्कोर लेग की दिशा में, थोड़ा सा हटके यहां पर फाइन लेग पर। और इस पेच कदमों का इस्तेमाल किया, चौका कवर की दिशा में खेल दिया लॉन्ग ऑफ, जब तक उस बॉल को फील्ड करने की कोशिश और इस पेच एक रन मिलेगा जरूर वहां पर, थोड़ा सा हड़बड़ाहट है बल्लेबाजों के पिच में रहने का प्रयास जरूर किए थे, 2 रन लेना चाह रहे थे लेकिन इस बीच बॉल को गति से थ्रो किया और एक रन ही केवल मिलेंगे उनको। और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मनोहर, जिन्होंने 9 रन का योगदान देकर पवेलियन वापस जा चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और आइए हम सवाल करते हैं कि ऐसे कमेंटेटर नारायण पाटिल को कि कितना लय तक अगर ये स्कोर रहे तो इस मुकाबले में मजा आएगा, और अगर 40-50 रन अगर रहते 24 गेंदों में
तब तक इस मुकाबले थोड़ा सा जरूर मजा आएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुंदर आणि विलास बी पाटील की ज्याने आधीच्या मॅच मध्ये सुंदर जवळपास 15-20 पावलं धावून असा आणि इथे सरळ त्याच्या हातामध्ये एक लॉलीपॉप जसा येतो, लॉलीपॉप म्हणतो मी अब्दुल भाई, लॉलीपॉप सारखा येतो आणि लॉलीपॉप तो सोडणार नाही. दरम्यान रामदास इथे निराश करतोय पिशे संघाकडून. दरम्यान दुसरं विकेट पडतोय, धावसंख्या आहे दिलीप पाटील आमचे स्कोरर, ऑफिशियल स्कोरर, धावसंख्या स्थिरवलेली 15. गणेश त्याने आधीच्या मॅच मध्ये उत्तुंग टॉवरिंग 3 षटकारांची हॅट्रिक केली होती असा बॅट्समन गणेश पाटील आहे. आणि आता रामदासची जागा घेण्यासाठी जातोय भगवान. गणेश आणि भगवान दोन्ही देव, देवांची नावं आहेत. बघूया आता दोन्ही देव काय करतात या बंद्र्या मारुती काल्हेरच्या क्रीडांगणावर. धावसंख्या स्थिरावली, धावसंख्या 15, दुसरं षटक चालू, ओम साई पिशे संघ. दरम्यान गणेश एक हार्ड हिटर बॅट्समन काय करतोय, रवी गोलंदाज आहे, 8-10 पावलांचं अंतर आहे. ओवर द विकेट रवी, ओ सुंदर चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकला चेंडू आणि इथे ओ माय गॉड इथे मिस होते. हिट करताना पुन्हा एकदा मला टबोल आणि गोट्यांची आठवण करायला का हरकत नाही. खरोखरच 2 विकेट एक्स्ट्रा गेले असते जर हिट केला असतं तर नक्कीच. दरम्यान धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या होते 16, 16 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 3 विकेट्स ओमसाई पिसे संघ. रवी, रवी टू भगवान, दाबरा पळून जातो ओवर द विकेट. सुंदर चेंडू, उजव्या एसटीवरचा चेंडू काही कळलेलं नाही आणि इथे दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होतोय. धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 16. पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात केली होती, त्याचे सुपर सब आहेत माझ्या जोडीला मनोहर, की मनोहर बोलतोय की या दुसऱ्या षटकामध्ये अगदी कमीत किती धावा आल्यात, फक्त आणि फक्त 3 धावा आल्यात आमचे ऑफिशियल स्कोरर आणि 2 विकेट घेतलेले आहेत त्या षटकामध्ये. रवी, रवीच्या षटकामध्ये सुंदर असे झेल, फक्त 3 धावा आल्या दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 13 धाव होते, धावसंख्या 16 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. काहीसा दडपणाखाली आता गणेश आणि भगवान, कारण पहिलं षटक 45+ वाल्यांनी खेळले होते आणि 13 धावा त्यांनी कुठल्या होत्या आणि धावून घेतल्या होत्या, एक त्याच्यामध्ये चौकार समाविष्ट होता. गणेश, गणेश, गणेश आणि भगवान. रामदास आऊट झाला, रामदास आऊट, मनोहर आऊट, मधुकर आऊट आणि मधुकर आऊट. आता भगवान आणि गणेश खेळतोय. दरम्यान सुंदर असं एक क्रीडांगण बंद्रा मारतोय काल्हेर गावचं. खरोखरच नेत्रदीपक असं हे सराउंडिंग बघायला मिळतोय, जसं काय साऊथ आफ्रिकेमध्ये आलोय आपण सुंदर इकडे, जसं स्टेडियम जसं बनवले 2 स्टेडियम, लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे यूट्यूबवर, लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे आणि केबलवर एक सुंदर असं आयोजन नियोजन. मी बंद्रा मारुती काल्हेर संघाला आणि त्या गावकऱ्यांना निश्चित मनापासून धन्यवाद देईन की अशा प्रकारचं ग्राउंड क्रीडांगण त्यांनी बनवलेलं आहे आम्हा 40+ आणि रेग्युलर क्रिकेट खेळणाऱ्यांसाठी देखील. पुढचा विलास बी पाटील ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स. विलास सौंदर्यचे सुंदर कट केलाय पॉइंटच्या दिशेने आणि चौकार कट, रॅपिड शॉट म्हणता येईल. अब्दुल भाई क्या कही गया, लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे एक चौके के साथ. इसी के साथ गणेश की अगर हम बात करें तो 6 रनों पर नाबाद लंबे समय तक क्रीज पर डटे हुए हैं और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 20 रनों पर मात्र 3 विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद के लिए तैयार हुए और इस बीच फिर वही शॉट अपनाया लेकिन इस बीच वहां पर खिलाड़ी तैनात थे. एक और वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण थोड़ा किया विकेट कीपर के हाथों में आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 21 रन. और यहां पर देखिए जिस तरह से क्षेत्र रक्षण यहां पर सजावट किया है कैप्टन ने, एक खिलाड़ी कवर क्षेत्र में, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है
और इस बीच थोड़ा सा पॉइंट खिलाड़ी बाउंड्री पर और एक गली में एक स्लीप में इस तरह से तैनात किया है। 30 गज के अंदर दो खिलाड़ी हैं और इस बीच अगली गली राइट हैंड से ऊपर द विकेट और टप्पा करने के बाद फिर वही शॉट अपनाए थे लेकिन इस बीच सफल नहीं हो पाए। टप्पा करने के बाद काफी उछाल भरी बॉल थी, बल्लेबाज को चकमा दिया सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन कोई नुकसान नहीं। बॉलर अपनी बॉलिंग बार पर जाते हुए एक मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी एक डीप स्क्वायर लेग में और एक लॉन्ग रन और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस तरह से सजावट किया है खिलाड़ियों का। और इस बीच काफी लंबा रनफ है गेंदबाज विलास की, इनके ऊपर विश्वास जताया कैप्टन डे और शायद ये एक ऐसी अनुभव लगाने के जो अनुभव लगा रहे हैं जो है बल्लेबाजी को आउट करने के लिए बल्लेबाज को, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे। और इस बेच पल्ले को हल्का सा बोप किया, कदमों का इस्तेमाल एक और यहां पर काय निर्णय काय अंपायर्स और इस बेच डॉट आउट ये थोड़ा सा फुटवर्क दिखाए थे, हल्के हाथों से उसे खेलने का प्रयास किए थे लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्ट नहीं, विकेट कीपर के ग्लव्स में गई बॉल। और इस बीच थोड़ा सा यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं बॉल को बल्लेबाज, भगवान इस तरह स्ट्राइक पर हैं और जिस तरह से गति में परिवर्तन करते हैं हर एक जो है गेंद में ये परिवर्तन करते हैं और थोड़ा सा चकमा देते हैं बल्लेबाज को और बिल्कुल उसी तरह से ये करते हैं विलास। फिर वही शॉट इस बीच मारने के बाद आधे गार्डन में घूम रहे थे लेकिन उस बीच उनका काम तमाम नहीं किया क्योंकि जानते हैं कि एक एक बॉल उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और जब बॉल ख्याल खेल रहे हैं तो उनको आउट करना कोई मायने नहीं रखता है। और इस बीच एक एक गेंदें उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुकाबला 4 ओवर्स का केवल है और जिसमें से ये 3rd ओवर चल रहा है। पहले ओवर आए थे गेंदबाजी करने के लिए नरेश ने, उन्होंने 13 रन खर्च किया था, कोई सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद आए पल गेंदबाजी करने के लिए रवि, उन्होंने केवल 3 रन दिए केवल, उन्होंने 2 सफलताएं मिली। ये है कसी भरी गेंदबाजी, सफलतम गेंदबाज जिन्होंने एक विश्वास जताया उस पर खरे उतरे और अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए विलास। और इस बाल बॉल को हवा में उठा दिया मिड ऑन के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और लेने का प्रयास उस बीच थ्रू किया, कोई विकेट नहीं। स्कोर छलांग लगाता हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, अच्छी शुरुआत यहाँ पर जिस तरह से खामोश, एक समय ऐसा लग रहा था कि खामोश बल्ला था लेकिन इस समय थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरह से रवैया अपनाया है बल्लेबाजी करने के लिए और अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर पहुंचाया, ऐसे मजबूत स्कोर में पहुंचाया लेकिन 22 रन 6 गेंदें हैं उनके पास। और आइए सुनते हैं हमारे दूसरे साथी कमेंटेटर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में। थैंक यू अब्दुल भाई, 4 षटक झाल्यानंतर मी विनंती करतो अमर क्रीडा मंडळ अमर स्पोर्ट्स कासने संघाचा कर्णधार आणि ओवळी गावदेवी ओवळी गावदेवी माता गावदेवी ओवळी संघाचा कर्णधार, दोन्ही कर्णधारांनी टॉस विन करण्यासाठी टॉस उडवण्यासाठी आमच्या कॉमेंट्री VIP डाईसच्या समोर यायचं आहे। कसने संघाचा कर्णधार आणि ओवळी संघाचा कर्णधार दोन्ही संघ इथे उपस्थित आहेत। दरम्यान शेवटचं संघाचं शेवटचं 4th आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय रजनीश। हाँ, लास्ट ओवर आहे अमर कासने, पुढील सामन्यासाठी विनंती करतोय अमर कासने आणि गावदेवी ओवळी संघाचे कर्णधार। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय। रजनीश पहिला चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू, एका धावर समाधान मानावे लागेल। गणेश जो हार्ड हिटर अद्याप त्याच्या बॅटमुळे असा एखादा फटका, धावसंख्या आहे 22 23 माफ करा, आता एक धाव काढलेले धावसंख्या 23, 3rd 4th षटक चालू। जरा घाई करायचे दोन्ही अंपायर्सना नम्र विनंती आणि दोन्ही बॉलर्सला देखील। रजनीश तो गणेश सुंदर झेल ब्लॉक मध्ये टाकलेला झेल, इथं मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू, 1 बाउन्स बाउंड्री। धन्यवाद डीजे लो चलीमय, इथे लो चलामय 4 रन्स देने के लिए ओम साई पिसे को, खरं सुंदर फटका, माझा आवाज कदाचित
नक्कीच ऐकला असेल गणेशने, कारण दोन मोठे फटके खेळावे लागतील. शेवटी स्लॉग ओव्हर आहे, स्लॉग ओव्हरमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा जमवायच्या आहेत. थोडं क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी बदल करताना विलास बी पाटील, रजनीश टू गणेश. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू टटकावलाय, बघूया झेल होते का. आणि वन बाउन्स, पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले. मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित झालेले कालीराम केनी, मानकुली गावचे माजी उपसरपंच तसेच उत्कृष्ट सूत्रसंचालक समालोचक कालीराम केनी, आपल्या या मान्यवर कक्षामध्ये मी हार्दिक स्वागत करतो आहे. त्याचप्रमाणे सचिनस्फोट पूर्ण संघाचे अष्टपैलू खेळाडू जगदीश पाटील तसेच क्लासिकल पर्सनॅलिटी दीपक म्हात्रे हेही या मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. सर्व मान्यवर सदस्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आहे. पुढील सामन्यासाठी पुन्हा एकदा अमर कासने आणि गावदेव ओवली दोन्ही संघाचे कर्णधार विना विलंब आपण चार षटकांच्या समाप्तीनंतर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मान्यवर कक्षासमोर शेवटचे तीन चेंडू शिल्लक, धावसंख्या 31. पहिल्या चेंडूवर एक रन, दुसऱ्या सलग दुसऱ्या तिसऱ्या चेंडूवर चौकार, त्याच दिशेने ऍक्शन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळाली गणेशच्या बॅट्स मधून. पुन्हा एकदा ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू, परंतु तितकासा असा फटका मारता आलेला नाही. आणि इथे काय होते बघूया. ओ माय गॉड, व्हॉट हॅपन, नॉट आउट, थोडीशी चूक. रजनीशने त्याच्याच बाजूला नॉन स्ट्राईकला जर स्टंपला लावलं असं नक्कीच गणेश आउट झाला असता, परंतु त्याने थ्रो गणेशला आउट करण्यासाठीच केला, त्याच्याकडे थ्रो केला होता. येस, मात्र गणेशचा विकेट मिळवण्यासाठी एक धाव बोनसच्या रूपाने गेलेली नक्कीच. परंतु काय डोक्यात रजनीशने आले कुणास ठाऊक, थ्रो व्यवस्थित होता. जर त्याने स्टंपला नॉन स्ट्राईक स्टंपला जर चेंडू लावला असता नक्कीच गणेशची विकेट तिथे गेली असती, परंतु त्याने स्ट्रायकर आपल्या विकेट किपरकडे चेंडू फेरला. धावसंख्या 2 ने वाढते 33. दोन चेंडू शेवटचे, दोन चेंडू शिल्लक, दोन चेंडूवर किती धावा जमवते आपल्या संघासाठी पाहावं लागेल. रजनीश फुलटॉस चेंडू, परंतु तितकासा काही मोठा फटका बसला आले नाही, एक रन सहज मिळाले असते, परंतु गणेश स्ट्राईक घेतोय. डॉट चेंडू रजनीशचा, लोअर फुलटॉस चेंडू होता, गणेशला काही पाहिजे तसा फटका खेळता आलेला नाही. धावसंख्या स्थिरावलेली 33. शेवटचा चेंडू रजनीश टू गणेश. पुन्हा एकदा चेंडू सुंदर ब्लॉकमध्ये टाकलं, पुन्हा त्याच दिशेने चेंडू जातोय, स्वतः सुंदर इथे थ्रो येतोय. आणि मला वाटतं त्या दरम्यान दोन धावा पूर्ण करतात. धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या होती आमच्या ऑफिशियल स्कोरर दिलीप पाटील मला सांगतायत 35. 35 आणि 36 रिक्वायर्ड टू विन जॉली क्लब कामतघर. धन्यवाद. गावदेव ओवली संघाचे कर्णधार अमर कासने संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचे. त्याचप्रमाणे अरविंदजी भोईर साहेब माझ्या जोडीला आहेत, 40+ कमिटीचे उपाध्यक्ष, तसेच कालीराम केणी उत्कृष्ट सूत्रसंचालक समालोचक माजी उपसरपंच मानकोली या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
चला दोन्ही अंपायर्स ना मी विनंती करतो क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं होम साहेब पिसे चेंडू द्यायचा चेकिंग साठी हे कॉइन जे आम्ही बनवलेले सरपंच आणि उपसरपंचाने एका बाजूला बंद्रा मारुती काल्हेर पाहुण्यांच्या हाती हे कॉइन देतोय गावदी ओवली संघ सरपंच कॉल आलेला आहे आणि नक्कीच गावदी ओवली संघाने या ठिकाणी नाणेफेक जिंकलेले निर्णय कळवायचा आहे क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि अमर कासने संघाला या ठिकाणी फलंदाजीसाठी पाचारण केलेले ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय दरम्यान 36-36 रनांचं आव्हान दिलंय ते जॉली क्लब कामतघर संघासाठी सुंदर असे भव्य असं क्रीडांगण बांद्र्या मारुती काल्हेर जो हनुमान जो बजरंग बली बांद्र्यावर बसलाय म्हणूनच कदाचित नाव बांद्र्या मारुती काल्हेर असं पडलं असावं काल्हेर संघाने नाव दिलंय खरोखरच एक समुद्राकडे बजरंगाची नजर आणि आमच्या काल्हेर गावातील सर्व गावकऱ्यांवर नजर की सर्वांना सुखात ठेव समाधानात ठेव समृद्धी दे आणि आयुष्य भरघोस जगू दे 40+ 50+ क्रिकेट खेळण्यासाठी दरम्यान सलामी फलंदाज जात आहेत ते विलास बी पाटील आणि शैलेश शैलुदा दोन्ही दादा वयाने मोठे परंतु इथे नावं घेतो मी तुमची माफ करा मला लहान आहे तुमच्यापेक्षा मी सुनील पाटील यांना विनंती करतो की काळूराम केणी इथे उपस्थित आहेत त्यांचा यथोचित सत्कार करायचा आहे काळूराम केणी सुंदर एक पुष्पगुच्छ इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल काळूराम केणी याचं खूपच आम्ही बांद्र्या मारुती काल्हेर क्रिकेट क्लब तसेच गावकऱ्याकडून खूप खूप आम्ही स्वागत करतो आणि धन्यवाद देतो की तुम्ही इथे उपस्थिती दाखवलीत दरम्यान सामना सुरू होतोय पहिलं वहिलं षटक संघाच्या वतीने घेऊन येतोय भगवान उंच पुरा 6'2" अंदाजे अब्दुल भाई हे सब जो खेल रहे सब 40+ यानी जो उनका एज है वो अबव 40+ 45 और हमारे जो जो अमर कासने में जो एक प्लेयर है सुरेश दादा भोईर वो अभी रनिंग उसका 61 है वो अभी खेल रहे है तो आप इन सब जो नौजवान लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे अब्दुल भाई कुछ तो कुछ कमेंट करें कुछ तो कुछ कुछ कमेंट करें हमारे इस नौजवान अभी जा रहे अरविंद दादा जा रहे गावदेव ओवली के सब देखो तो जवान जा रहे करो करत पहला चेंडू सुंदर फटकावलाय मिड विकेट च्या दिशेने आणि दोन धावा मला वाटते विलास बी पाटीलचा जो मिड विकेट मिड ऑन जो शॉर्ट जो क्षेत्र आहे तो आवडीचा क्षेत्र आहे कारण मागासच्या सामन्या देखील मध्ये देखील त्याने असाच चेंडू दोन धावांसाठी तडकावला होता धावसंख्या 2 जिंकण्यासाठी पाहिजे 34 धावा भगवान टू विलास आणि इथे चेंडू मिस होतो माय गॉड व्हॉट हॅपन देअर मिस फिल्डिंग आणि इथे मिस फिल्डिंग किती मिस फिल्डिंग 2-3 धावा किती धावतोय विलास बी पाटील 52 रनिंग वय वर्ष 52 जो अभी प्लेयर आप देख रहे विलास बी पाटील नॉन स्ट्राइक पे आणि नो बॉल नो बॉलचा इशारा धावा किती झाल्यात सांगा फक्त अंपायर्स रन्स 3+1 म्हणजे 4 धावा बोनस 4 धावा ओमसाहेब पिशे संघाकडून धावा वाढतायत 6 सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट विलास बी आणि शैलेंद्र पुन्हा एकदा शैलेशने मारलेला चेंडू एक धाव घेतले दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण तू तू मै मै हा हा ना ना करता करता दोन धावा पूर्ण केलेल्या आहेत धावसंख्या 8 पोहोचते
आता फक्त आणि फक्त 28 धावांची गरज जॉली क्लब कामतगड संघाला जिंकण्यासाठी. हातात चेंडू थ्रो जात नाही आपला एवढ्या लांबून, कारण आता आपलं वय झालेलं आहे, आपला परफेक्ट थ्रो जाऊ शकत नाही स्टम्प जवळ, त्यामुळे आपण तो तेवढा थोडासा विचार करायला पाहिजे. एखाद दोन चार प्लेयर असतील की त्यांचा थ्रो बाउंड्री वरून स्टम्प पर्यंत जातोय. दरम्यान भगवान सुंदर फटका शैलेश दप्पा बॅट मधून फाईन लेगच्या दिशेने चौकार आणि वाळूवर स्थिरावलाय चेंडू घरंगळत खाली. धन्यवाद डीजे मास्टर. वराळ देवीचं गाणं लावलं खरोखरच जॉली कामतघर संघासाठी, कारण वराळ देवी कामतघर गावामध्ये आज विराजमान आहे. भव्य असं देवीचं मंदिर आहे तळ्या तळ्याकाठी, आणि वराळ देवीचे खूप असे भक्त कामतघर संघातील आपले हे प्लेयर आणि गावकरी देखील. उडग वराळ देवी येळ झाली तुझ्या आरतीची सुंदर ओळी ज्या कवीने रचल्यात, ज्याने गाणं गायलंय अप्रतिम गाणं. दरम्यान धावसंख्या पोचते दिलीप पाटील 12. भगवान पुन्हा एकदा असा अनोखा असा फटका खेळताना मिडविकेटच्या दिशेने चेंडू जातो एक धाव पूर्ण. आता मात्र पुन्हा हातातल्या दोन धावा घेतलेल्या आहेत. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग विलास बी आणि शैलेश यांची. धावसंख्या दोनने वाढते, धावसंख्या होते 14. अब्दुल भाई आगे आप जारी रखेंगे कमेंट्री, क्योंकि मैं आपसे अभी विदा ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा अभी सामना है, मैच है. इसके बाद थैंक यू वेरी मच आणि सर्वांचे आभार. मला इथे परमिशन इथे बसण्याची दिली आणि मला संधी दिली. दरम्यान लॉंगॉनच्या दिशेने एक चेंडू, पुन्हा एकदा दोन धावा काढण्याच्या तारीत. धाव फक्त एकच धावसंख्या, गणेशच्या हातात चेंडू आहे. धावसंख्या एकने वाढते, धावसंख्या होते. आणि धन्यवाद बंद्रे मारुती काल्यार, धन्यवाद, थँक्स अ लॉट अब्दुल भाई. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर देखिए शुरुआत ही जिस तरह से मिली है, 36 रनों का टारगेट उनके सामने रखा मात्र 24 गेंदों में, और इस पिच बल्लेबाजी करने के लिए उतनी चाल ली क्लब के बल्लेबाज, तो शायद अगर ये स्ट्राइक पर रहेंगे विलास और शैलेश तो मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक क्षमता है, एक आत्माविश्वास है बड़ा शॉट लगाने की. और इस पिच देखिए कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्लों से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया एक रनों के लिए. इस बीच कोई गलती नहीं करेंगे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, और एक आत्मविश्वास के साथ उस बॉल को पकड़े और थ्रो किया, और इस बीच स्कोर छलांग लगाता हुआ 16 रन. भगवान आए गेंदबाजी करने के लिए और उन्होंने 16 रन खर्च किए, अपने इस ओवर में कोई सफलता नहीं मिला उनको. शैलेश और विलास ओपनिंग करने के लिए गए थे और अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये अच्छा स्ट्राइक रोटेट करते रहे, अच्छा कॉम्बिनेशन है बल्लेबाजों के बीच में, जिस तरह से नजर दौड़ाते हैं इंटरनेशनल मैचों में जब इंडियन एक ऐसे बल्लेबाज को उतारते हैं जिसका रोहित शर्मा नाम है. एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा बल्लेबाज जो सबके दिलों पर राज करने वाले, सबके दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले. जब उनका बल्ला चलता है तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हों या फिर श्रीलंकाई हों या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान या फिर कोई भी गेंदबाज हो, उनके सामने टिक नहीं पाते हैं जब वो अपना शॉट लगाना शुरू करते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से ये तुलना अगर हम करते हैं इस मैदान पर, तो ये हुनर है इस बल्लेबाज में विलास और शैलेश में, जिन्होंने 6 रन लगाकर खेल रहे हैं. विलास शैलेश की अगर हम बात करते हैं 9 रनों पर नाबाद हैं, यानी कि 16 रन का पार्टनरशिप हुआ है, और लगभग 7 मिनट से क्रीज पर डटे हुए अपने बल्ले को जमीन पर रखे नेक्स्ट बॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए आए, 10 से 15 कदम गेंदबाजी. मधुकर एक बार इनके ऊपर विश्वास जताए गेंदबाजी के लिए. और इस बीच क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन, बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर है, विलास स्ट्राइक पर, बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में खिलाड़ी, हल्का सा दिशा देने का प्रयास, बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरह जिस तरह से उन्होंने किया था कल वानखेड़े स्टेडियम पर. और थोड़ा सा दिशा देना चाह रहे थे थर्ड मैन की दिशा में, वही उनका फेवरेट शॉट है, बल का चुमती हुई और उसके बाद दिग्वेला के हाथों में थमा दिए कैच, निराश मुद्रा में चल दिए थे. लेकिन अगर हम बात करते हैं मनीष पांडे के, जिन्होंने 33 रन का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, नापाद पारी खेलकर वापस लौटे थे वो, और वही नजारा यहां पर देख लिए, बिल्कुल खाली दिशा, बहुत ही अच्छा शॉट, मिसफील्ड हुआ, एक और मिलेंगे चौका यहां पे.
जहां पर थे एक दो रन और वहां पर खर्च कर दिया चार रन। ये थोड़ा सा खराब क्षेत्र रक्षण है और ऐसी स्थिति में उन्हें सुधारना चाहिए क्योंकि उनके टारगेट के ऊपर नजर दौड़ाते हैं जो मंजिल है उनका केवल 36 रनों का है, 36 रनों का, और वो सफर दूर नहीं, वो मंजिल दूर नहीं है उनके लिए जो इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपना आधा सफर तय कर चुके हैं चाली क्लब के खिलाड़ियों ने। एक और दिशा यहां पर मीनार के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं, बाउंड्री पर मौजूद थे जब तक उस बॉल फील्ड करने की कोशिश। एक और यहां पर मिस, दूसरे प्रयास में जब तक बॉल को उठाते आसानी के साथ अपना अपना छोर बदले, दो रन लेने में कामयाब रहे, स्ट्राइक अपने हाथों में रखे यहां पर विलास ने और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 22 रनों पर। यह ऐसी स्थिति से जूझ रही है जो शायद एक ऐसी दिशा, एक ऐसी गेंदबाज, ऐसी बदलाव लेकर आ रहे हैं जो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और अभी तक हल्का सा दिशा दिया। एक और गली के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, दौड़कर उस बॉल को फील्ड किए, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआती में आए बल्लेबाजी करने के लिए अभी तक खेल रहे हैं मैदान पर 9 रनों पर नाबाद शैलेश इस समय स्ट्राइक पर। गेंदबाजी का दायित्व मधुकर के हाथों में, इससे पहले ओवर में 16 रन आए, कोई सफलता नहीं मिली और जिस तरह से ये जो रन एक गति की तरह से बढ़ रही है, अगर ये विकेट लेते हैं अपने इस ओवर में तो शायद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा रन की गति जो इस समय फास्ट की तरफ बढ़ती हुई और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। केवल 23 रन है अभी तक दूसरा ओवर चलता हुआ, फिर वही शॉट टप्पा करने के बाद कोई फील्डर नहीं, पौका भी नहीं, एक और चौके के साथ यहां पर स्वागत किया लॉन्ग लेग की दिशा में। दरम्यान या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धावसंख्या झालेले 27, हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। कावरीली गावावरून जयेश म्हात्रे, अष्टपैलू खेळाडू रेग्युलरचे, यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या। धन्यवाद जयेश म्हात्रे, आपला मनापासून हार्दिक आभार। फुलटॉस चेंडू, स्वांग केलेला आहे चेंडूला, कुठल्याही क्षेत्र रक्षकाकडे त्या ठिकाणी मौका नाहीये, चौकार। और इस बीच ड्रिंक्स का टाइम, मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ। शुरुआती में आए सैलेस के पल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका और ये साबित कर दिया कि जब तक ये रहेंगे स्ट्राइक पर हानिकारक है सभी खिलाड़ियों के लिए। और एक आतिशी पारी है टूट साझेदारी की, अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 31 रनों पर बिना किसी नुकसान के। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है बल्लेबाजों के बीच में, अगर यही जोड़ी पवेलियन भेजने में कामयाब रहे तो जो गति है रन की वो शायद रुक सकता है, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे वो लोग ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हमारे दूसरे साथी कमेंटेटर मिस्टर ज्ञानेश्वर चिकने, हाँ धन्यवाद रकीब जी। तर आपण बघितलं की विलास बालू याचा जो चिवटपणा आहे खेळपट्टीवर टिकून राहण्याचा, जी मानसिकता आहे आणि प्रगल्भता, आज 52 वर्ष विलास बालू याला झालेले आहेत, मात्र त्याच्या क्रिकेटचा खेळामध्ये जर बघितलं तर कुठल्याही प्रकारची उणीव भासत नाही। 31 धावा झालेल्या आहेत, अजूनही जिंकण्यासाठी 5 धावांची आवश्यकता। विलास बालूबद्दल मी थोडेसे बोलेन, नक्कीच गेली 25 ते 30 वर्ष ह्या माणसाने क्रिकेटला दिलेले आहेत आणि क्रिकेट कसं खेळावं, क्रिकेटशी निगडीत कसं असावं, क्रिकेट ज्याच्या नसा नसात श्वासात भिनलेला आहे असा हा विलास बालू। आणि त्याची जर खेळी आपण बघितली, अगोदरच्या सामन्याची खेळी बघितली, खेळपट्टीवर ठाणं मानून राहतो आणि ह्या सामन्यात बघितली तर 36 धावांचा पाठलाग करताना खेळपट्टीवर ठाणं मानून बसलेला आहे। तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होते, तिसऱ्या षटकासाठी पंढरीनाथ राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय,
आणि झेल सुटला जातोय विलास बालू या असे जीवनदान. एका धावीन संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 32. 4 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. यानंतर 2 सामने अजूनही व्हायचे आहेत. फुलटॉस चमस हाफ वाली दिली होती आणि नक्कीच चेंडूला पुल केलेले आहे. चेंडू व्यवस्थित बॅटवर येत नाही. एक धाव मिळते. एका धावीन संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते 33. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत गावदेवी ओवळी आणि अमर कासने या दोन संघामध्ये. यानंतर चेंडू हवेत आहे. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. एक धाव पूर्ण. एका धावीन संघाची धावसंख्या पोहोचते 34 वर. 2 धावांची आवश्यकता आहे. सहज सोपा विजय मिळवण्याच्या दिशेने जॉली क्लब कामतगार हा संघ सरसावतोय. ओमसाई पीसी संघाने या अगोदर चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. मात्र कामतगार संघापुढे त्यांची डाल शिजलेली नाहीये. त्यामुळे मात्र फुलटो चेंडू स्वंग केलेला चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर आणि कासने संघ पीसी संघ या स्पर्धेच्या बाहेर. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच या अगोदरच्या सामन्यात मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विलास भाळू याने पटकावला होता. मात्र ह्या पूर्ण सामन्याचा जर विचार केला तर या सामन्यामध्ये विलास आणि शैलेश या दोघांनी जबरदस्त फलंदाजी केली आहे. मात्र विलास भाळू याला मागे टाकत शैलेशने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावलेला आहे. शैलेश आपण पुढे यायचंय मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित.